Hello everyone, a very good evening to you all, to all my viewers and to all my wonderful students. Guys, today's question is from Indian Contract Act 1872. Indian Contract Act 1872 का एक question है that A enters into contract with B. A B के साथ contract करता है, मतलब दो party है contract में A और B. In this B is guilty of fraud. इस सिचुएशन में ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कि बी फ्रॉड कमिट करता है और उसको गिल्टी माना जाता है कि भैया ये फ्रॉड कर रहा है और ये गिल्टी है, क्योंकि जब दोनों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं तो जो दोनों के बीच का कंसेंट है वो फ्री कंसेंट होना चाहिए और इसमें फ्रॉड उस चीज़ को डिफीट कर रहा है. बात को समझने की कोशिश करना, ए और बी के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या किसी भी दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो पॉइंट ये है कि कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उसमें, उसके जिसमें कि कंसेंट, मतलब फ्री कंसेंट भी एक एसेंशियल एलिमेंट है. और फ्री कंसेंट अगर पांच में से कोई भी एक एलिमेंट मिसिंग रहेगा तो फ्री कंसेंट नहीं हो सकता है. जैसे कोअर्शन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, फ्रॉड है, मिस्टेक है. ये पांच चीज में से कोई भी एक एलिमेंट मौजूद रहेगा, चाहे वो पर्सन हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, फ्रॉड हो, मिसरिप्रेजेंटेशन हो या मिस्टेक हो, तो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा. एम आई क्लियर? तो इस केस में वही हो रहा है कि बी फ्रॉड कमिट करता है, मतलब बी गिल्टी है. तो अब सवाल आपसे ये है कि ए क्या करे अब? ए कैन नाउ, वॉट कैन ही डू? ए क्या कर सकता है अब? इसके चार ऑप्शन है, मैं पढ़ करके बता रहा हूँ. पहला है कि दैट ए कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट बट कैन नॉट गेट कॉम्पनसेशन. दूसरा है, मतलब पहला ऑप्शन आप समझ गए ना कि कॉन्ट्रैक्ट को ए खत्म कर सकता है लेकिन कॉम्पनसेशन उसको नहीं मिलेगा. दूसरा है कि दैट ही कैन गेट कॉम्पनसेशन ओनली. दूसरा है कि कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकता है लेकिन कॉम्पनसेशन उसको मिलेगा. तीसरा है कि ही कैन रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड गेट कॉम्पनसेशन. तीसरा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर सकता है, मतलब ए कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है और साथ ही साथ में ही कैन गेट कॉम्पनसेशन ऑल्सो. मतलब कि तीसरे में कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर भी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म भी कर सकता है और कॉम्पनसेशन भी मिलेगा. और चौथा है नन ऑफ द अबव, राइट? तो माई डियर व्यूअर्स एंड माई वंडरफुल स्टूडेंट्स, the correct option here is the third option, that he can resign the contract and at the same time he can get compensation also. क्योंकि यहाँ पर A की गलती नहीं है, गलती किसकी है? B की. B की गलती क्या है कि B ने fraud commit किया और जिसके कारण से free consent नहीं हो पाया, तो B की गलती है. तो इसकी जिम्मेवारी भी B को ही लेनी होगी, इसका जो consequence है वो बी को ही भुगतना पड़ेगा. ए शैल नॉट बी हेल्ड टू बी लायबल फॉर द फ्री कंसेंट दैट विशिएटेड द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को खत्म कर दिया एक तरह से बी के कारण से. तो यहां पर ए की कोई गलती नहीं है, ए की कोई गलती नहीं है, तो ए इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है और साथ ही साथ उसको कॉम्पनसेशन भी मिलेगा, राइट? आई होप कि ये सवाल काफ़ी क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर है. ये जुडिशियल सर्विसेज में, क्लैट यूजी पीजी में, एपीओ के एग्जाम्स में सारे जगह पर पूछा जा चुका है पहले, एंड दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट विद यू, राइट? थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय श्री राम.